दोस्तों, एक बार फिर से हम न्यू अपडेट लेकर आ चुके हैं अपने शाहजहानाबाद दोहरी घाट नई रेल लाइन की। काफ़ी लोग ये कमेंट कर रहे थे कि भाई शाहजहानाबाद और दोहरी घाट नई रेल लाइन के बीच में जो भूमि अधिग्रहण है और जिसका पैसा मिल चुका है और जहां पर स्लीपर गाड़ा चल चुका है, तो इस तरह से काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं। काफ़ी लोग परेशान हैं कि उनकी ज़मीनें क्यों अधिग्रहण नहीं हो रहा है, कि उन लोगों को पैसा अभी तक नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों को मिल चुका है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। कुछ लोगों के ज़मीन पर जो है कि ज़मीन अधिग्रहण के स्लीपर गाड़े जा चुके हैं, तो काफ़ी बार बार ये लोग कमेंट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो आइए चलकर इसी विषय पर छोटी सी हम वीडियो बनाकर आप लोग को बस ये जानकारी देना चाहते हैं। तो वीडियो को आगे ले जाने से पहले, वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर लीजिए, और चैनल को जिन भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलकर बात करते हैं। काफ़ी लोग सब्सक्राइबर हमारे जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो भी कमेंट ये भी कर रहे हैं बार बार कि अपना छपरा बलिया से और आजमगढ़ के रास्ते कब तक दो ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो नई ट्रेन चलवाने के लिए काफ़ी लोग परेशान हैं और हम भी परेशान हैं। हम भी चाहते हैं कि ट्रेन जल्दी से जल्दी चल जाए और आप लोगों का फ़ायदा हो, मगर देखिए ये रेलवे का काम है, ये अपने हिसाब से रेलवे काम करते रहता है, डिसाइड करते रहता है कब चलानी है कब क्या करनी है, ये तो रेलवे डिसाइड करेगा, मगर कोशिश हम लोग कर सकते हैं इस मामले में। तो चलिए अपडेट आपको देते हैं। तो अपना शाहजहानाबाद दोहरी घाट नई रेल लाइन बनने वाली, आप लोग को सभी लोग को पता है बहुत जल्दी बनेगी, मगर फिलहाल अभी देखियो अभी तो कुछ काम नहीं चल रहा है, मगर सर्वे में काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। ज़मीन अधिग्रहण मुआवजा पैसा सब कुछ दिया जा रहा है, मगर फिलहाल आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जिन जिन का भाई ज़मीन अधिग्रहण हुआ है उन लोग को पैसा मिल रहा है, जिनका नहीं हुआ है उनको नहीं मिल रहा है। और रही बात नई ट्रेन चलाने की, तो जब ट्रेन चलाई जाएगी तो उसके विषय में हम लोग बात करेंगे, और इस पर जो है कि रेलवे को बताया गया है कि जल्द से जल्द ट्रेन चलवाएं, तो ये DRM डिसाइड कर सकता है कि कब ट्रेन चलाएगी। हम लोग भी इस पर अपडेट निकाल रहे हैं और पता कर रहे हैं जल्दी से जल्दी ट्रेन चले, मगर काफ़ी लोग परेशान हैं ट्रेन चलवाने के लिए। तो भाई देखिए, हम लोग भी बस में कुछ नहीं है, हम लोग बस कोशिश कर सकते हैं और मैसेज DRM तक पहुंचा सकते हैं, तो वो काम पहले से किया जा चुका है और बहुत जल्दी आप लोग को पता है कि 2 से 3 महीने के बाद जब ये धान कट जाएगा उसके बाद से जो है कि काम को अंजाम दिया जाएगा और बहुत जल्दी जो है कि स्टार्ट भी काम कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर धान करने के बाद जो है कि अपने दोहरीगढ़ साइड में भी जो गोठा से सीधा नदी तक जो नई लाइन बनकर कट कर जाने वाली है, वहाँ पर भी स्लीपर का अभी काम नहीं किया गया है, नहीं गाड़ा गया है, नहीं कोई स्लीपर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और फिलहाल अभी जो भी काम चल रहा है वो अपने दोहरी घाट से आगे शाहजहानाबाद के बीचों बीच में काम चल रहा है और स्लीपर गाड़ने की तैयारियां चल रही है। बहुत सारे खेत ऐसे हैं जिनको अभी पैसा नहीं दिया गया है, मगर रेलवे अपना कब्जा कर रहा है, स्लीपर गाड़ कर तैयारियाँ कर रहा है, मगर वो पैसा देगा जैसे पूरा फाइनल हो जाएगा, काम स्टार्ट हो जाएगा, उस हिसाब से पैसा देना भी स्टार्ट कर देगा। तो जिन जिन भाई लोग का ज़मीन अधिग्रहण हुआ है उन लोग को पैसा ज़रूर मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए और ज़्यादा परेशान होने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। जैसे अपडेट आएगा नया और नई जानकारी आएगी अपने वीडियो के मदद से, हम ज़रूर आप तक देंगे, मगर मैसेज करने से कमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला भाई। तो ये रेलवे डिसाइड करेगा कब चालू करना है, कब ज़मीन अधिग्रहण के पैसे देना है, कब ट्रेन चलाना है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं नई ट्रेन चले और जल्दी से ज़मीन अधिग्रहण हो, और जैसे कोई नई इस पर अपडेट आएगी अपने वीडियो के माध्यम से आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। तो आप लोग को इस वीडियो से कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी, और ये कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किस किस भाई का भी ज़मीन अधिग्रहण हो चुका है, कमेंट करके बताइएगा ताकि और लोगों को पता चले और किस गांव में ज़मीन अधिग्रहण हुआ है और कौन से गांव में अभी तक ज़मीन अधिग्रहण नहीं हुआ है, स्लीपर कहाँ कहाँ पर गाड़ा गया है, कमेंट करके बताइएगा तो और भी लोगों को जानकारियाँ इसके विषय में मिलने वाली है। और हम बता दें कि अभी कोई ऐसा खास काम नहीं हो रहा है, नहीं तो हम आगे बढ़कर आप लोग को पूरी वीडियो में अच्छे तरीके से दिखाते, इसी वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। जब कोई नया अपडेट नया काम आएगा हम अपने वीडियो से ज़रूर सूचित आप लोग को करेंगे, आप ये लोग बेफिक्र रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और वीडियो को अपने ग्रुप में व्हाट्सएप में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा।